जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने एक अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 20% की जगह 12.5% लगने वाला है। हालांकि शेयर मार्केट के ऊपर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगता था, ये 10 से 12.5 हो गया है, यहाँ पर तो 2.5% बढ़ गया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं रियल स्टेट के ऊपर, जो आप अगर आप कैपिटल गेन कमाते थे उसके ऊपर जो आपको टैक्स होता था, उसके ऊपर जो आपको गेन होता था, उसके ऊपर जो टैक्स पहले आपको 20% देना पड़ता था अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पे कमाया है, किसी भी प्रॉपर्टी को 2 साल से ज्यादा रख करके अगर आपने बेचा है तो वहां पे आपको 20% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये 20% टैक्स को घटा करके 12.5% कर दिया है। अब ये जो आपका 7.5% आपका टैक्स का जो रेट घटा है, ये आपके लिए राहत की बात है या आफत की बात है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो प्रैक्टिकली हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या ये 20 से 12.5% हुआ है, ये आपके लिए बेनिफिट है देने वाला है या आपके लिए डिसएडवांटेज देने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है जो कि होती है महंगाई। आपने नोट किया होगा, एक साल पहले जो गोल्ड का रेट था आज वो रेट आपको नहीं मिलेगा। 10 साल पहले गोल्ड का रेट था 5,000-10,000 रुपए और आज आप लेंगे गोल्ड का रेट तो आपको 72,000 रुपए का मिलने वाला है। तो ये महंगाई दर होती है, मतलब रुपए तो उतना ही है लेकिन आपको गोल्ड है वो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं गोल्ड को खरीदने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नाम से एक आपको राहत देने की कोशिश की थी, इंडेक्सेशन जिसको बोलते हैं। इंडेक्सेशन का मतलब होता है अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी आपने पुराने किसी साल में खरीदी थी और आज उसको बेच रहे हैं तो उसका उतनी ही कीमत आपकी नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2001 जो कि बेस आपका ये रखा है 2001 और 2002, इसके अंदर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में खरीदा था तो और आज दोस्तों 2024-25 के अंदर अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इंडेक्सेशन अगर आपका बेस ईयर का माने तो 100 होता है, 2001-2002 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका बेस आपका 100 था और 2024-2025 में किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसका इंडेक्सेशन 363 हो गया है। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को 100 रुपए में अगर आपने खरीदा था और आज उसको बेचते हैं तो 363 रुपए उसकी कीमत हम मानते हैं कि इतनी तो महंगाई आपकी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने कोई खरीदी थी 2001 में और आज उसको आप 4 करोड़ रुपए में बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको दोस्तों उसकी जो कीमत मानी जाएगी वो 3,63,00,000 रुपए मानी जाएगी क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको दे दिया है। अब आपने 4 करोड़ रुपए में उस प्रॉपर्टी को बेचा था और इंडेक्सेशन का फायदा लेकर के 3,63,00,000 रुपए उसका जो भी डिफरेंस होगा दोस्तों, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 37,00,000 रुपए बनता है, तो 37,00,000 रुपए के ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ता था इस बजट से पहले, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था। 37,00,000 रुपए का 20% दोस्तों करेंगे तो ये लगभग 7,40,000 रुपए आपका टैक्स यहां पे देना पड़ता था। इसके ऊपर आपको सरचार्ज या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह देना पड़ सकता था, लेकिन इस बजट के बाद में गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट देना बंद कर दिया है। इंडेक्सेशन के अंदर क्या होता था, उस प्रॉपर्टी को आपने 1 करोड़ रुपए का जब खरीदा था वही प्रॉपर्टी की आपकी जो वैल्यू है 1 करोड़ रुपए ही हम घटाएंगे। अब आप उस प्रॉपर्टी को 4 करोड़ का बेच रहे हैं और आपने 1 करोड़ रुपए का उस टाइम वहां पे खरीदा था तो उसके अंदर डिफरेंस जो हो गया आपका 4 करोड़ माइनस 1 करोड़, 3 करोड़ रुपए का दोस्तों आपको कैपिटल गेन हुआ है। इसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, तो 12.5% अगर आप बनाते हैं 3 करोड़ का 37,50,000-37,50,000 रुपए टैक्स आपका बन जाएगा क्योंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। जहां पर आपको विद इंडेक्सेशन 7,00,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, 7,40,000 अप्रोक्सीमेटली, और विदाउट इंडेक्सेशन आपको देखिए दोस्तों आपको जो आपका डिफरेंस है 3 करोड़ रुपए का 12.5% 37,00,000 रुपए के लगभग टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से इंडेक्सेशन हटाने के बाद में, हालांकि ये डिपेंड करता है केस टू केस, किसी व्यक्ति की कीमत ज्यादा भी हो सकती है तो उसको हो सकता है इंडेक्सेशन इतना बेनिफिट ना मिलता हो जितना कम रेट का मिलता हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे तो इंडेक्सेशन जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी है और वहां पे आपको जो इन्फ्लेशन का रेट वो है बेनिफिट है उसका नहीं मिलने वाला है। तो इस डिसीजन से दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या ये सही है या क्या सही नहीं है। आपको 3 चीजें जो है आपको इस नए रूल के बाद में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको पता होगा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 तरीके का पैसा आपको उनको देना पड़ता है। एक तो 1 नंबर का पैसा होता है जो कि आप जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट या रजिस्ट्री जिसकी करवाते हैं, एक ब्लैक मनी, ऊपर से भी आप कैश में उनको पैसा देते हैं। तो सपोज करो कोई प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपए की लेनी है तो उसकी जो रजिस्ट्री वैल्यू होती है वो 50 लाख की तो रजिस्ट्री कराता है और 50 लाख रुपए ही आपसे वो नगद ले लेता है, जिसे कि ब्लैक मनी या 2 नंबर का पैसा बोलते हैं। तो 50 लाख रुपए ही उसकी सेल वैल्यू मानी जाएगी जितने रुपए पर रजिस्ट्री हुई है, तो इसकी अंडर वैल्यूएशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सामने वाला व्यक्ति डीएलसी रेट है उतनी की ही उसकी रजिस्ट्री करवाने वाला है, क्योंकि ज्यादा
करवाएगा तो उसको कैपिटल गेन वगैरह ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो अंडर वैल्यूएशन जो है रियल स्टेट के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, कोई लोग ऐसे होते हैं जो लेकर के बेच देते हैं या अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग भी अब यहाँ पर थोड़ा सा कतराएंगे। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपने मैंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आप 1 करोड़ में ले रहे हैं और उसकी DLC रेट है सिर्फ 10 लाख रुपए, मतलब गवर्नमेंट की वैल्यू उसकी 10 लाख है और आपको 1 करोड़ रुपए उसको देना है, तो बाकी का 90 लाख रुपए उसको कैश में देना पड़ेगा और कैश क्या होता है, ब्लैक मनी होती है। तो ब्लैक मनी को और ज्यादा बढ़ावा मिलने की यहां पे संभावना है। इस तरह से हमने डिस्कस किया दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हालांकि 20% से 12.5% हो गया है, लेकिन फिर भी आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है यहां पे नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप भी अपना डिसीजन ले लें, प्रॉपर्टी बेचते समय आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से हेल्प लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये इंडेक्सेशन को हटा करके, रेट को घटा करके ये डिसीजन था ये कैसा था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।